एफएम एक्सप्रेस न्यूज में आपके साथ मोहम्मद सलमान जुनेदी। बीजापुर शहर में 27 साल युवक की हत्या। बीजापुर शहर में आए दिन हत्या के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। बीजापुर शहर में कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि आज बीजापुर शहर में फिर से एक युवक की हत्या की गई है, वो भी लोकसभा चुनाव के चलते। बताया जा रहा है कि पुरानी दुश्मन के कारण यह हत्या की गई है। मृतक व्यक्ति का नाम 27 साल रंजीत जमादार है, जो शहर के पेटी बोड़ी का निवासी है। घटना की जानकारी मिलते ही घटनास्थल पर पहुंच जिला एसपी ऋषिकेश सोनावने ने घटनास्थल का जायजा लिया है। यह घटना बीजापुर के गोल गुंबज पुलिस थाना व्याप्ति में घटी है। नहीं छोड़ना जी भाई, ये रोज एक होता है, देखो क्यों ऐसा हुआ, तो बहुत मार रही है यार, पेटी बोड़ी में बहुत चले जी भाई, क्यों करना बोला। नहीं मेरे भाई को कौन मार रही है, उनको नहीं छोड़ना, मेरे बड़े भाई को भी मार रही, एडमिट करे थे यार, एडमिट करे छुपाए तो भी मेरे भाई को मारे, कौन की नहीं मार दे, नहीं उनको नहीं छोड़ना करने वाली, देखो मैं इनका साथ तैना सुख जान दे, इनको खलास करना करने वाली, भाई मेरे भाई को कौन मारे, इनको मारना देखो अगर करने वाली, मेरे भाई घाबरा पड़े हो, बड़ा भाई मेरे नन्हे भाई को लगा उसे भी मार रही हूँ, अगर भी मेरा भाई रो रहा, मेरे भाई भी घाबरा पड़े हो, मेरे भाई को भी मारे, मेरा भाई बंदी रवाज जमादर मारे साले को, आके चोरों ने मारी उनका सर, पेटी बौड़ी के, पेटी बौड़ी के लिए इसके जवाब वो क्या, हमारे नानी घर है तो क्या मारे मेरे भाई का बच्चा था, बंदी रवाज जमादर का नाम लिया। ओके दिन संजे होत्तिगे जुमा मस्जिद पक्कदल्लि ओंदु कोले प्रकरण वरदियागिरुत्तदे, अदरल्लि विक्टिम रजीम जमादार इवनिगे केलु दुष्कर्मिगळु तले मेले ओंदु स्टोन स्लैब मत्ते ग्लास पीसेस अरदि स्पॉट अल्लि कानिसिकोळ्ता इदे, तले मेले हाकिद्दक्के इदु कोले आगिरोदु मेलनोटके कल्लेत्ते हाकिद्दु मेलनोटके कंडु बर्ता इदे, इदरल्लि इन्नु एफ आर रिजिस्टर आगलिक्के इदे, एफ आर आद नंतर ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಏನು ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಯಾರಲ್ಲಿ ಯಾರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆಗಿರಬಹುದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ತನಿಖೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಮೇಲೆ ಡೌಟ್ ಇದೆ, ಅದು ನೋಡಿ ಅವರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅದು ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಏನು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಏನು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರೈಮರಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಈಗಲೇನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಘಟನೆ ಆಗಿದೆ ಏನೇನು ನಮ್ಮ ಸಸ್ಪಿಷನ್ ಇದೆ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈಗಲೇನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಇವರು ಅದು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈಗ ಶಾಂತಿ ಕದಡುವ ಯತ್ನ ಅಂತ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ, ನೋಡೋಣ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆಗಿದೆ, ಅದಾದ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸರಿ.